गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हमने हाइड्रोफाइट्स के अडॉप्टेशंस के बारे में पढ़ा था। आज हम चर्चा करेंगे जेरोफाइट्स। जेरोफाइट्स या मरुद्भिद एक ग्रीक शब्द जीरोज प्लस फाइट। जेरोज मीन्स शुष्क और फाइटोन मीन्स पादप, यानी शुष्क पादप या मरुपादप, या हम कह सकते हैं शुष्क आवास में उगने वाले पादप। मरुद्भिद पादप है जो बहुत ही शुष्क आवासों में, यानी कि जहाँ पे पानी की बहुत ही कमी पाई जाती है। वहाँ पर उगते हैं और शुष्क आवास में जो पादप उगते हैं वो अपने आप को इतने सक्षम बना लेते हैं कि पानी की कमी और पानी भूमि में जो घुलनशील लवण होते हैं पर्याप्त मात्रा में, अम्ल की अधिकता या अधिक या कम मृदा ताप और बहुत ही तेज प्रदीप्यमान होते हैं। इन पौधों की प्रमुख जो अनुक्रियाएं होती है ये है कि ये जल भूमि से प्राप्त करते हैं और परिरक्षक कार्यों में भी कम पानी उपयोग करते हैं, जिससे जल की डिमांड में कम होती है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे जेरिज में शुष्कता क्या है। तो शुष्कता का जो कारण है वह है जल का अपर्याप्त शोषण या वाष्पोत्सर्जन। दो प्रकार की होती है शुष्कता, भौतिक शुष्कता और कार्यकीय शुष्कता, फिजिकल ड्राइनेस। तो ऐसे आवास जिनमें भौतिक रूप से ही जल अभाव होता है भौतिक शुष्कता कहलाते हैं। इस प्रकार के आवास की जो मृदा है वह लूज टेक्सचर वाली होती है, यानी इसका टेक्सचर बहुत ही लूज या ढीला होता है और इसकी जल धारण क्षमता बहुत कम होती है। जैसे मरुस्थल, चट्टानों की सतह आदि। फिजिकल ड्राइनेस या भौतिक शुष्कता, सॉरी कार्य की शुष्कता, जब भौतिक रूप से तो जल उपस्थित होता है लेकिन पादप उसको उपयोग में लेने में असमर्थ होते हैं तो इसे फिजिकल ड्राइनेस कहते हैं। फिजिकल ड्राइनेस वाले आवासों में जल की बहुत अधिकता होती है लेकिन इस जल को पौधे आसानी से अवशोषित नहीं कर सकते। जैसे बहुत ही अत्यधिक लवणीय या अत्यधिक ठंडे या ध्रुवीय प्रदेशों में फिजिकल ड्राइनेस पाई जाती है।
सॉरी फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस पाई जाती है। भौतिक दृष्टि से शुष्क आवासों में उच्च तापमान और जल की कमी, उच्च प्रकाश की तीव्रता तथा उच्च वायु वेग प्रभावी कारक होते हैं। ये कारक जेरोफाइट्स के लिए उत्तरदायी होते हैं, जबकि कार्य के दृष्टि से शुष्क आवासों में टेम्परेचर कम होता है और लवणता अत्यधिक यानी अधिक होती है। और इन्हीं तथ्यों के आधार पर जेरोफाइट्स को परिभाषित किया जा सकता है कि शुष्क आवासों में उगने वाले पादप मरुद्भिद कहलाते हैं और इनमें विशिष्ट आंतरिक रचनाएं और कारकीय गुणों के कारण ये अपने जीवन को वायुमंडलीय शुष्कता वाले आवासों में रह सकने के लिए सक्षम होते हैं। जेंटल ने मरुद्भिदों को 5 प्रकारों में विभाजित किया, जो डिफरेंट टाइप के जो आवास हैं उनमें उगने वाले पौधे जैसे शैलोद्भिद, लिथोफाइट्स जो पर्वतों की चट्टानों पर पाए जाते हैं, हेमोद्भिद ध्रुवों या पर्वत शिखरों पर जमी बर्फ पर पाए जाते हैं, अम्लोद्भिद ऐसे पौधे जो अम्लीय मृदा में उगते हैं, सेमोफाइट या बालुकोद्भिद रेत बालू मिट्टी तथा टीलों पर जो रेत के टीले हैं उन पर उगने वाले जो पौधे हैं बालुकोद्भिद कहलाते हैं। लवण मृदोद्भिद जो लवणीय मृदा या समुद्री लवणीय जल में पाए जाते हैं, लवण मृदोद्भिद या हेलोफाइट्स कहलाते हैं। कियरने तथा सांच ने जेरोफाइट्स को 3 प्रकार से डिवाइड किया, जलावाह पलायनी मरुद्भिद, जलावाह सहिष्णु पादप और जलावाह प्रतिरोधी पादप। जलावाह पलायनी मरुद्भिद यानी ड्रॉट एस्केपिंग जेरोफाइट डेक्स डेक्स इस प्रकार के पादप होते हैं, वो एक वर्षीय या शाकीय होते हैं और इनका जो लाइफ साइकिल है वो कुछ ही वीक्स में समाप्त हो जाते हैं। केवल वर्षा ऋतु में ऐसे पौधे उगते हैं और वर्षा ऋतु में ही अपना जीवन पूरा करके समाप्त कर लेते हैं। ऐसे पौधे ड्रॉट एस्केपिंग जेरोफाइट्स या जल अभाव पलायनी कहलाते हैं।
कि जब तक जल उपलब्ध है पौधे अपना लाइफ साइकिल चलती है, और जैसे ही जल समाप्त हुआ ये पौधे सूख जाते हैं और अपने सीड्स को बिखेर देते हैं, और पुनः जैसे ही इनको जल उपलब्ध होता है ये उगेंगे, बड़े होंगे और पुनः परिपक्व होकर के और वर्षा ऋतु समाप्त होने पर पुनः अपनी लाइफ साइकिल ख़त्म कर लेते हैं। जैसे आर्जिमोन मैक्सिकाना, पीली कटेली, केशिया टोरा, जो पमार होता है बरसात के दिनों में बहुत अधिक मात्रा में उग जाता है, किलियोम विस्कोसा, इंडिगो फेरा स्पीसीज, गाइनेंड्रोपसिस गाइंड्रा, ये ऐसी स्पीसीज है जो केवल वर्षा ऋतु में ही अपना जीवन पूर्ण कर लेते हैं। नेक्स्ट है जल अभाव सहिष्णु पादप, ड्रॉट एंड्योरिंग प्लांट्स। ये पौधे एक वर्षीय या बहुवर्षीय, शाकीय या काष्ठीय या छोटे वृक्ष के रूप में होते हैं। शुष्क जो परिस्थिति है उनमें इनकी वृद्धि बहुत ही धीमी होती है, लेकिन जैसे ही इनको जल मिलता है तो इनकी वृद्धि तेजी से होती है। इन पौधों में वाटर स्टोरेज का या जल संग्रह का कोई भी व्यवस्था नहीं होती है और जल अभाव को सहन करने की क्षमता इनमें होती है। जल अभाव के समय इन पौधों की पत्तियां झड़ जाती है और तना सूख जाता है, जिससे बाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होती। ऐसे समय में ये पादप भूमिगत अंगों के रूप में जीवित रहते हैं। और जल की अनुकूल परिस्थितियों में वृद्धि कर अपने जीवन चक्र पूर्ण करते हैं। जैसे कैपेरिस डेसिडुआ, करील, कैर या टेट का जो अचार बनता है, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा आक, प्रोसोपिस सिनेरारिया यानी खिजड़ी, सामा घास, कैलिगोनम पॉलीगाइनेंड्रस फोग, ऐसे पौधे हैं जो शुष्क दिनों में या तो इनकी पत्तियां झड़ जाती हैं, तना सूख जाता है, या फिर पत्तियां झड़ जाती है, और कुछ पौधे जैसे आंकड़ा है तो ये केवल इसका तना भी सूख जाता है और भूमिगत अंगों के रूप में ही ये जीवित रहता है। बरसात के दिनों में ये तेज़ी से वृद्धि करते हैं और हरे हो जाते हैं और अपनी लाइफ साइकिल चलाते हैं। जल अभाव प्रतिरोधी पादप यानी ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट्स। इस प्रकार के पादपों को सक्कुलेंट्स या मांसलोद्भिद पादप भी कहते हैं, और यही पादप वास्तविक जेरोफाइट्स कहलाते हैं।
इन पादपों में मोटी भित्ति वाले टिश्यूज की अपेक्षा पत्ती भित्ति वाले टिश्यू अधिक होते हैं। इनकी कोशिकाओं में पेंटोजेंस की मात्रा अधिक होती है, जिससे जल परिवद्ध करने की क्षमता होती है। पेंटोजेंस में जल को बांधे रखने की क्षमता होती है। इनका रूट सिस्टम होता है काफ़ी लंबा होता है, जो भूमि के जो वाटर लेवल है, भौमजल स्तर है, वहाँ तक पहुँच जाता है। ऐसे पादप जिनके रूट सिस्टम काफ़ी लंबा होता है फाइटोफाइट्स कहलाते हैं। इसके जो एग्जाम्पल है अगेव, ओपंसिया, कैक्टस, ये मांसल पादपों का मूल सिस्टम लंबा नहीं होता है बल्कि शाखित होता है और मृदा की ऊपरी सतहों तक सीमित रहता है, लेकिन इनमें जल संग्रह की क्षमता होती है। अनेक जो प्रतिरोधी पादप हैं उनमें पर्णों का अभाव होता है और जो लीफ पर्ण होती है, पत्तियां होती है, वे कांटों में रूपांतरित हो जाती है। जेरोफाइट्स को उनकी संरचना, कार्य के और जीवन चक्र के आधार पर कुछ वैज्ञानिकों ने 3 भागों में डिवाइड किया है। अल्पकालिक पादप, सकुलेंट प्लांट्स या गुदेदार पादप और एमाशलोद्भिद पादप। जबकि स्तंभ के आकार की, तने की संरचना और पत्तियों की प्रकृति के आधार पर इन पौधों को 5 भागों में डिवाइड किया है। छोटी पत्ती वाले पादप, यानी इनकी पत्तियां रिड्यूस्ड होती हैं, जैसे कैजुराइना, और स्टेम ही पत्तियों का कार्य करता है। बड़ी पत्ती वाले मरुद्भिद जैसे एलोवेरा या ग्वारपाठा, यक्का, इनकी पत्तियां मांसल होती हैं, ब्रायोफाइलम या पत्तर चिट्ठा। मांसल मरुद्भिद, इन पौधों में तना मांसल यानी चौड़ चपटा हो जाता है, गुदेदार, और पत्तियां रिड्यूस होकर के कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। मुड़ने वाले पादप, इन पादपों में पत्तियां के फल शुष्क तथा दशा में गोल हो जाते हैं, जैसे एमोफिला, स्क्लेरोफिलम मरुद्भिद। इन पौधों में की पत्तियां में स्क्लेरिन काइमेट्स परत पाई जाती है,
जो इन्हें सिकुड़ने से रोकने तथा नमी की हानि को कम करने के लिए पाए जाते हैं, जैसे साइकस और नेरियम है। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से जो जेरोफाइट्स है उनको, उनकी पत्तियों, उनकी संरचना, जो कार्य के आधार पर विभाजित किया गया है। इसी प्रकार से पौधों को जैसे उनकी लाइफ साइकिल या फिजियोलॉजी के आधार पर भी अल्पकालिक, गुदेदार, मांसलोद्भिद में विभाजित किया गया है। तो मेन जो टाइप्स है जेरोफाइट्स के वो तीन प्रकार हैं, ड्रॉट रेजिस्टेंस, ड्रॉट एंड्योरिंग एंड ड्रॉट एस्केपिंग प्लांट्स। आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अडॉप्टेशंस ऑफ जेरोफाइट्स, हाइड्रो जेरोफाइट्स या मरुद्भिदों के अनुकूलन।